हमारी फैमिली फोटो है, वो इसका फ्रेम टूट गया है ना, इसलिए। चाची, वो आपको श्री से कुछ बात करनी थी ना? हाँ बेटा, मैं ये पूछना चाहती थी कि रीता के चेहरे पर फिर से खुशी लाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगी, बस मैं रीता को वापस खुश देखना चाहती हूँ। आंटी, आप एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ हैं, आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। जिस तरह से आप रीता को प्यार से संभाल रही है ना, वो काफी है उसके लिए। आई एम श्योर कि इतने अच्छे फैमिली सपोर्ट के सहारे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का आप ख्याल रखिए, हो सके ना तो उसे 24 घंटे कमरे में मत रहने दीजिए। आप उसे बहला फुसला कर शॉपिंग के लिए ले जाइए, हो सके तो मेरे ऑफिस ले आइए, या हो सके तो उसे बच्चों के साथ मूवी देखने भेज दीजिए, पर उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जरूर उसे बाहर ले जाऊंगी। ठीक है, आप लोग ये सब कोशिश करते रहिए, मैं भी उसे मिलती रहूंगी। टाइम जरूर लगेगा, बट शी विल बी फाइन। हमारा काम तो तभी आसान हो गया था जब रीता के मन में अपने बच्चों के लिए स्ट्रेंथ बनकर जीने की डिटर्मिनेशन आ चुकी थी। बस अब उस पर अमल करना बाकी है। चाची, ये सब कुछ हेतल की वजह से हुआ है। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? रीन, ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ, कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई, यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्या, तेरी शादी में इच्छा से